एंड वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। आपको जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि ब्रेक के बाद हम आपके कुछ हेल्थ के मसाइल को फोकस करेंगे, और ये जो शो है या फिर आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है, ये खसूसी तौर पर यंग लड़कियों के लिए है, उन ख़वातीन के लिए है जो किसी ना किसी तरीके से गायनी के मसाइल का शिकार हैं, और वो तमाम सवालात या वो तमाम मसाइल जो वो फेस कर रही हैं, हम उन सवालों को यहाँ पर लिख लेते हैं और के बाद हम एक्सपर्ट जो भी उस शोबे के होते हैं उनके साथ इन तमाम सवालों को रख के डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे इस प्लेटफॉर्म से किसी की भी मदद हो जाए। किसी भी एक ऐसा इंसान जो किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई आसानी हम दे सकें। तो आज शो में मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पेशा भी है, बहुत रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, डॉक्टर समीना हक। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जन है नाज़रीन, इसके साथ साथ गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो बेसिकली ओवेरियन सिस्ट के हवाले से है। इसके साथ साथ भांजपन के ऊपर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और इनकी बहुत एक्सपर्टीज़ हैं। हम अपने शो में इनका नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये लाहौर और फैसलाबाद दोनों जगह पे क्लिनिक करती हैं, वीक में डिफरेंट डेज पर। आप इनके नंबर पे इनके कॉन्टेक्ट करके अपने तमाम मसाइल के हवाले से अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं ऑन सीरियस इशूज़, काइंडली अगर आपको कोई सीरियस मसला है तो आप इनसे कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज कैजुअल सवालात के लिए प्लीज़ आप इनको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। पहले मैं वेलकम कर लेती हूँ, उसके बाद हम बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो पे कॉल करने का। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। जिस तरह से अभी मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि ये बहुत कॉमन हो गया और बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, गो कि ये पेशा बहुत रिस्पेक्टेबल है, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे कुछ मसीह है, ऐसे कुछ डॉक्टर्स हैं जो शायद उतने एक्सपर्ट नहीं हैं उस लेवल के, उस एक सर्टन इशू के ऊपर। अगर हम ओवेरियन सिस्ट की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियों में, शादीशुदा या फिर अर्ली एज के जो मसाइल हैं उनके अंदर, हम देखते हैं कि ओवरी को ही रिमूव कर दिया जाता है अगर वहाँ पर कोई सिस्ट है। बड़ी है या छोटी है, उसकी नौयत क्या है, वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, इस चीज को बिल्कुल कता नजर उसको रिमूव कर दिया जाता है। सबसे पहले तो आप इस पे कमेंट कीजिएगा कि क्या ओवरी को रिमूव करना ही इस मसले का हल होता है? बेटे ये तो आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मैं एक टर्शरी ऑब्वियसली यूनिट में काम करती हूं, और मेरे पास फिर जो प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर्स, वहां से जो भी ख़राब किए हुए केसेस हैं या सर्जरी हुई भी है, शादी को काफ़ी अरसा हो गया है, बच्चे नहीं हो रहे, तो हिस्ट्री लेने पे पता चलता है कि जी बचपन में एक सिस्ट बनी थी और वो सर्जन ने, लोकल सर्जन ने, मेल सर्जन ने उसकी सर्जरी की थी। ये एक टिपिकल हिस्ट्री है, आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को मिल लें आपको इस तरह के केसेस बेशुमार मिलेंगे। अब होता ये है कि ये सिस्ट जो हैं, जो यंग बच्चियों में बनती हैं, ये एक फंक्शनल सिस्ट है। फंक्शनल सिस्ट हम उसको कहते हैं कि ये बनती हैं एज ए रिजल्ट ऑफ ओवेरियन फंक्शन, यानी वो फंक्शन करना चाहती है ओवरी, अंडा बाहर फेंकना चाहती है, लेकिन उसकी प्रोसेस में ये सिस्ट बनती है जो कि खतरनाक नहीं है। ये एक वो फॉलिकल है जो फट के अंडा रिलीज नहीं कर सका और उसमें पानी इकट्ठा होता जा रहा है, होता जा रहा है, और वो बड़ा हो गया, वो काफी बड़े हो जाते हैं, 8 से 10 सेंटीमीटर, 12 to 14 सेंटीमीटर। और फिर क्या होता है कि स्ट्रेच होने की वजह से, क्योंकि उसकी दीवारों में, उसकी वॉल्स में भी एक जाल होता है ब्लड वेसल्स का, वो स्ट्रेच होने की वजह से थोड़ा थोड़ा फट के ब्लड रिलीज करना शुरू कर देते हैं उसी फ्लूइड में। वो ऐसे लगता है कि जैसे ये तो बहुत बड़ी खून की थैली है और पता नहीं क्या है, ये कैंसर है। आप ठीक कह रही हैं कि अताई डॉक्टर, जैसे कि MBBS की डिग्री नहीं है, वैसे ही डॉक्टर बने हुए हैं, पेट खोला और पूरी की पूरी, आई एम श्योर कि वो MBBS डॉक्टर्स नहीं होंगे, लेकिन अगर MBBS डॉक्टर्स हैं तो वो हैं जो या सिफारिश से हर साल पास होते रहे, या क्लासें तो अटेंड ही नहीं की, अपनी हाजिरी लगवाते रहे किसी से। प्रॉपरली ट्रेन डॉक्टर जो है वो ये हरकत नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई प्रॉपरली ट्रेन डॉक्टर है भी, तो मैं अब कुछ क्लासेस, कुछ अपनी यूट्यूब पे ऐसे ही सर्जन्स के लिए मैं ट्यूटोरियल्स और वीडियोस बना के डाल रही हूँ। मेरी है डॉक्टर समीना हक, गायनेकोलॉजिकल सर्जिकल ट्यूटोरियल्स, तो उसमें वो काफी हेल्प करेंगे इनको। डॉक्टर देखें, जब ओवरी का टिश्यू जो है वो बहुत स्ट्रेचेबल है, जैसे आपने प्लास्टिसिन देखा होगा, आप उसको किसी भी शेप में, आप उसको लंबा चौड़ा इस तरह फैला सकते हैं बारीक, तो ओवेरियन टिश्यू में जब एक अंडा तैयार होने लगता है हर महीने, तो अंडा
अंडे का साइज छोटा बड़ा नहीं होता, प्लीज याद रखें, वो एक नुक्ता, पेंसिल के नुक्ते जितना वो अंडा होता है, और उस अंडे को नेचर सेलेक्ट करती है। जिस अंडे को, उसके गिर्द एक पानी की थैली बनना शुरू होती है, वो छोटी से बड़ी होते होते 2 सेंटीमीटर की जब हो जाती है, तो फिर एक हार्मोन ब्रेन से रिलीज होता है जो उसकी वॉल को कमजोर करता है, वो फटता है, पानी बाहर गिरता है, अंतड़ियों के बीच में वो अंडा किसी जगह गिर जाता है, और वो एक सिग्नल दे रहा होता है, और अल्लाह सुबहानु ताला ने हमारी ट्यूबों को वो सिग्नल रीड करने की ताकत दी हुई है, वो जाती है सांप की तरह और वहां से अंतड़ियों के बीच से वो अंडा उठा के ले आती है। बिल्कुल ठीक। तो अब ये है कि अगर ये ओवरी के ऊपर सख्त झिल्ली चढ़ी हुई है, तो ये या तो वो ज्यादा फैलेगा ही नहीं, वहीं रुक जाएगा, 2 सेंटीमीटर भी नहीं होगा, और फिर उसको मेंसेस काफी देर नहीं आएंगे, क्योंकि एवरी मंथ एग रिलीज होगा तो मेंसेस आएंगे उसको। और अगर एग रिलीज नहीं हो रहा, वो छोटी छोटी सिस्ट बहुत सारी थैली के नीचे बन गई है, इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज या पीसीओ कहते हैं। लेकिन अगर उसमें से एक फॉलिकल जो है वो इस काबिल हो गया है कि बड़ा हो जाए, तो फिर जो हार्मोन ने फाड़ना था उस सिस्ट वॉल को, वो असर नहीं कर रहा, थिक है सिस्ट, उसमें पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो तकरीबन एक खरबूजे जितनी, तरबूज जितनी वो कभी कभी हो जाती हैं। और जो ओवरी का टिश्यू है, आप ये देखें कि उसके ऊपर एक थिन लेयर में स्ट्रेच होके फैल जाता है। ठीक है। अब अगर कोई मुस्तनद डॉक्टर है, कोई ट्रेन्ड डॉक्टर है, तो उसको पता है कि मैंने ओवरी का टिश्यू कहाँ ढूंढना है, अंडे कहाँ पड़े हुए हैं। अगर उस सिस्ट वॉल को पंक्चर करके उसकी वॉल सिर्फ निकाली जाए कि ये दोबारा पानी इकट्ठा ना करे, तो ओवरी स्प्रिंग की तरह अपनी शेप में दोबारा आ जाए। अब इनएक्सपीरियंस सर्जन जो है, या कच्चा पक्का है, या है ही नहीं डॉक्टर, उसने क्या करना है कि एक बड़ा सा क्लैंप लेना, और वो एक पेडिकल होता है, यानी एक ओवरी, जैसे ये मेरे बाजू है, इस तरह ये ट्यूब है, फिर ओवरी लटकी होती है, उसने यहाँ पे क्लैंप लगाना है, और उस पूरे जो ओवरी ट्यूब, वो सारी चीजें उसने निकाल देनी है सिस्ट के समेत। तो ये तो डॉक्टर साहब बहुत ही एक तकलीफ दे प्रोसेस के साथ साथ एक जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो भी इसका बहुत ज्यादा होगा हमें। साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो पता नहीं होता है कि नहीं होता, वो तो शायद बताएगा ही नहीं, वो तो शादी के बाद जब गायनी के पास जाएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वो डिटेक्ट करेगी कि ये एक ओवरी तो है ही नहीं। और अलमिया ये है कि फिर उसको टेस्ट के लिए भी नहीं भेजा जाता, इनको पता ही नहीं होता रिश्तेदारों को कि वो क्या था, उसकी क्या रिपोर्ट थी। और साइकोलॉजिकल अलमिया से ज्यादा बॉडी का अलमिया है, क्योंकि अंडे दोबारा नहीं बनते। अल्लाह सुबहानो ताला बच्ची की किस्मत में जितने उसने अंडे लिखे होते हैं वो ओवरी में डाल के पैदाइश के वक्त भेज देता है। आधी ओवरी, एक ओवरी निकल गई, जो अल्लाह सुबहानो ताला ने उसको तोहफे में अंडे दिए थे, वो आधे निकल गए बॉडी से, और फिर उसको मीनोपॉज जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जब तक ओवरी में अंडे हैं उसको मेंसेस आएंगे, बच्चे होंगे, जैसे ही अंडे खत्म हुए वो बूढ़ी होनी शुरू हो जाएगी, मेंसेस खत्म हो जाएंगे, बेबी नहीं हो सकेगा। तो उसके आधे चांस ऑफ प्रेगनेंसी तो उस सर्जन ने उसी वक्त उससे ले लिए। उसके बाद ओवरी, आप हैरान होंगी सुन के कि 50-55 साल तक हमें अपनी ओवरी की जरूरत है, ये सिर्फ अंडे स्टोर नहीं करती, 45 साल की उम्र पे मैक्सिमम, 48 पे अगर अंडे भी खत्म हो गए, तो उसका अंडे के अलावा जो टिश्यू है वो एक औरत के लिए आबे हयात सिक्रीट करता है, जिसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं। Exactly. वो हार्मोन बॉडी के हर फंक्शन के लिए जरूरी है, आपको बूढ़ा होने से बचाता है, रिंकल्स बॉडी पे नहीं आएंगे, फेस फ्रेश रहेगा, वो नहीं होगा तो याददाश्त खराब हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां टूटने लग पड़ेंगी, आपका हाजमा खराब हो जाएगा, दिल का अटैक आना शुरू हो जाएगा, लिवर काम करना छोड़ना शुरू हो जाएगा, फैटी फैट के आपके जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आबे हयात है औरत के लिए। और अगर उसके आधी लाइफ के आपने वो प्रोविजन ही खत्म कर दी, तो मैं सर पकड़ के, यकीन करें वो 2-3 मिनट मेरे लिए अलमिए के होते हैं, मैं अफसोस कर रही होती हूँ, ग्रीव कर रही होती हूँ कि ये क्यों उस सर्जन के पास गई। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। ये कितना ज़रूरी है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हमारे लड़कियों में, ख़वातीन में नॉर्मली इस हवाले से कोई अवेयरनेस होती नहीं है, इसके लिए हमें घरों से भी उस तरह से नहीं कोई सपोर्ट मिल रही होती इन्फॉर्मेशन के हवाले से, तो आप क्या समझती हैं कि इनिशियली अगर चेकअप है, ज़ाहिर है अल्ट्रासाउंड है, पूरा प्रोसेस है, उसके बाद जाके कहीं सर्जरी की बारी आती है, तो हमें किन किन चीज़ों को चेकलिस्ट बनानी चाहिए, उनको डबल चेक करना चाहिए, और उसके बाद सर्जरी के प्रोसेस में जाना चाहिए, फाइनल डिसीजन उस वक्त लेना चाहिए?
देखो बेटे, पहले तो अलमिया तो वही है कि एजुकेशन नहीं है हमारे मुल्क में, हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या है, डॉक्टर क्या करने वाला है। कुछ लोग अब जो शहरों में हैं या गांव में भी जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं वो इंटरनेट पे सर्च कर लेती हैं, गूगल सर्च कर लेती हैं, जो बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए वो थोड़ा सा न्यूसेंस होता है क्योंकि उल्टी पुल्टी नॉलेज हमारे साथ शेयर कर रही होती हैं और हम काफी इरिटेट होते हैं इस बात से। लेकिन एक बात खुशायंद है कि ये एटलीस्ट दे नो के उनकी क्या बॉडी है और क्या। लेकिन बहुत से लोग तो 80% 75-80% के पास तो ये प्रोविजन नहीं है, दिमाग सोच ही नहीं सकता के अंदर क्या हो रहा है और क्या होना है। उन्होंने कहा जी सिस्ट है, फट गई है तो बस निकाल दो। तो सिस्ट अगर फट के खून भी अंदर आ रहा है जो एक एमरजेंसी है, तो मैं यंग डॉक्टर्स को या जो पेरिफ्री में खिदमत दे रहे हैं, देखें ये डॉक्टर्स बड़ी खिदमत कर रहे हैं पेरिफ्री में, क्योंकि एमबीबीएस करके वो शहरों में ज्यादा कमा सकते हैं और वहां शहरों की आसाइश इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के प्रॉब्लम होते हैं, शॉपिंग नहीं कर सकते। लेकिन छोटे शहरों में रहते हुए उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि इस किस्म के गलत इकदाम उनसे ना हो जाए। या जो अताई डॉक्टर है उनको तो क्या ही समझाएगा बंदा कि वो क्या कर रहे हैं। अब आप ये देखें, हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है, नर्सों ने दाइयों ने मेडिकल सेंटर्स खोले हुए हैं और फोर्थ ईयर एमबीबीएस के लड़कों को बुला के वो सर्जरी करवाती हैं, क्योंकि वो औने पौने में सर्जरी करके चले जाते हैं। वो जाके थिएटर में उनको अलाउड होता है, वो जाके ऑब्जर्व करेंगे कि अपेंडिक्स कैसे निकाली जा रही है, ओवरी कैसे होती है, वो उन्होंने जाना है, चीरा देना है, और बगैर किसी नॉलेज के, बगैर किसी के, वो दाई के सेंटर पे या नर्सों के सेंटर पे या एलएचवी के सेंटर पे या मिडवाइफ के सेंटर पे, बड़े बड़े ह्यूज सेंटर्स हैं। हम शर्मा जाएं उनको देख के कि हमारे क्या सेंटर हैं और उनके क्या सेंटर हैं। कोई चेक नहीं है। उस इलाके का पॉलिटिशियन उन आपाओं से, उन दाइयों से, उन नर्सों से, उन एलएचवीओं से भत्ता लेता है और वो प्रोटेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये उसकी भी जिम्मेदारी है और वो भी अकाउंटेबल है इस सारे प्रोसेस में। ये किसको बात भी जिम्मेदारी में समझाएं बेटे, किसको जिम्मेदारी समझाएं। लेकिन हमें फिर इंडिविजुअली ही अपनी जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है कि एटलीस्ट चंद पैसे बचाने की खातिर हम अपनी हेल्थ के साथ नहीं खेलें। नहीं बेटे, पैसे यहाँ ज्यादा लग जाएंगे। एग्जैक्टली, बाद में गाड़ी में डालें और सरकारी अस्पताल ले जाएं, ठीक, वहां एटलीस्ट वहां पे इसका डायग्नोसिस ठीक होगा, नुकसान कोई नहीं होगा इसका, पैसे भी कम लगेंगे। आप सरकारी अस्पताल में ऐसे तैसे करके, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी है, फट गई है सिस्ट, खून पड़ रहा है, बच्ची की जान का खतरा है, वो तो एक अलग स्टोरी है, ऐसे होता नहीं ज्यादातर। बस जी सिस्ट है, लाओ निकाल दो। तो ये सरकारी अस्पताल में पहुंचे, बहुत से डॉक्टर्स हैं जो गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करते हैं। मेरे पास भी जो आके कहते हैं कि जी हम इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनसे पूछ लेती हूँ आप कितना देना चाहते हैं। देखें, टोटल फ्री मैं नहीं करती, क्योंकि टोटल फ्री हमारे कॉम को टोटल फ्री खाने की आदत पड़ चुकी है, तो टोटल फ्री नहीं करती। लेकिन पता चल जाता है कि ये टोटल फ्री वाला अगर है तो ऑब्वियसली हम उसको साथ ज़कात भी देते हैं, दवाइयां भी देते हैं। लेकिन ज्यादातर के पास थोड़े बहुत तो पैसे होते हैं, लेकिन वहां पे सरकारी अस्पताल में अगर देखें, फर्ज करें कि मैं एक चीज की एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि जी मेरा जो खावंद है वो रेड़ी लगाता है किसी फ्रूट की या जो भी करता है, मेरी इतनी तनख्वाह है, तो हम उसके मुताबिक हम उसको फैसिलिटेट कर देते हैं। तो ये अंधाधुन जी डॉक्टर के पास चले गए, जी ऑपरेशन होना है, और बिल्कुल दिमाग से सोचा ही ना कि हम क्या करवाने जा रहे हैं अपनी बच्ची के लिए, इसका तो मुस्तकबिल ही खराब हो जाए। और फिर दोनों ओवरीज निकाल दी जाती हैं, इमेजिन, दोनों तरफ सिस्ट है, दोनों ओवरीज, वो बेचारी 22 साल की बच्ची बूढ़ी होने लगती है। मैं आपको एक और कहानी भी सुनाती हूँ कि एक सास कोई 15 साल की बच्ची अपने यहाँ ब्याह के ले आई, 19 साल तक उसके 3 के 4 बच्चे हो गए, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, बजाय वो करवाने के फैमिली प्लानिंग या कुछ और, वो ले गई एक क्लिनिक पे और वहां पे उसको कहा जी ऐदा सब कुछ कट दियो, मैं तुहानू जिन्ने पैसे कहोगे देंगी, ऐदा सब कुछ कट दियो, कोई और बच्चा पैदा ना करे। वहां से अताई डॉक्टर आया, उसने यूट्रस ट्यूब्स ओवरीज 22 साल बच्ची की निकाल दी। वो मेरे पास आई जब वो 26 साल की थी, वो ऐसे लग रही थी कि वो 66 ईयर्स की। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहिबा, फैमिली प्लानिंग के ऊपर हम एक अलग शो में बात करेंगे, क्योंकि इटसेल्फ एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। लेकिन अभी जैसे कि हम फोकस कर रहे हैं ओवेरियन सिस्ट के हवाले से और अवेयरनेस दे रहे हैं अपने नाज़रीन को, तो ये बताएगा कि इसकी रीजंस
क्या इनिशियली होती हैं, आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह है, किन चीज़ों को हमें थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए अपनी डेली लाइफ स्टाइल में, ये भी हमें पता होना ज़रूरी है बेटे। ये इसलिए पता होना ज़रूरी है कि हम फिर उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन करें। लेकिन देखें, जो हमारे मुल्क में एनवायरनमेंट है, जो हम पानी पीते हैं, जो हम मसाले खाते हैं, जो हम फ्रूट खाते हैं जिसके ऊपर केमिकल्स हैं, जो हम सब्जियां खाते हैं जिसके ऊपर केमिकल हैं, तो उसका क्या करेंगे? यहाँ तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं। देखें, ओवरी जो है वो ईस्ट्रोजन बनाती है। जब एक ईस्ट्रोजन पैदा करने वाला हार्मोन आके उसके एक रिसेप्टर के अंदर, जैसे रिसेप्टर और जो है ना हार्मोन, वो ऐसी ही स्टोरी है जैसे चाबी और ताले की है। ठीक, जहां भी वो चाबी जाके फिट होगी वहां पे वो हार्मोन जो है बॉडी में काम करना शुरू कर देगा। अब अगर ये केमिकल है, ये जाएगा, ये ओवरी के अंदर जाके उसके अंदर केमिकल चीजें पैदा करेगा, और ऐसी केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर ये सारी सिनारियो पैदा हो जाता है। अब हम जो प्रिजर्वेटिव वाले खाने खा रहे हैं, पैकेट वाले, ज्यादातर हम टिन में से ला रहे हैं, हमें अब आदत ही नहीं है कि हम खुद बना लें कुछ। आप पैकेट्स में ला रहे हैं, पैकेट की चीजें खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव हैं, केमिकल हैं, टेस्ट एनहेंसर्स हैं जो टेस्ट को बढ़ाते हैं, ठीक है। मसाले हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, जो जी टीवी के ऊपर आ रहा है, जी बड़ा आसान है खाना पकाना, सास का दिल जीत लिया। वो बीबी, तुम अपनी ओवरी का सत्यानाश कर रही हो, वो उस माँ का, उस सास की भी सत्यानाश कर रही हो जिसको तुम केमिकल के मसाले डाल के मजेदार खाना खिला रही हो। उसके बाद ये सारी चीजें हैं। फिर हम जितने भी ये मैट्स इस्तेमाल करते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, जो स्प्रेज इस्तेमाल करते हैं घरों में खुशबू के लिए, आप सुबह उठ के खिड़कियां खोलिए, उसमें से रात भर के जो नेगेटिव चीजें हैं वो बाहर निकलें, एंटीऑक्सीडेंट्स हवा में आएंगे, वो उनसे डील करेंगे, उनको खोलें। खिड़कियां तो हमारे मुल्क में खुलती नहीं है अब, और मच्छरों के आप जालियां लगाएं, मच्छरों को अवॉइड करते हुए आप फ्रेश एयर घर में लेके आइए। और प्लीज याद रखें, सबसे अच्छा कुकिंग ऑयल या तो सरसों का तेल है, या नारियल का तेल है, या घर का बना हुआ देसी घी। प्लीज इसके अलावा जितनी मार्केटिंग ये प्रीमियम ऑयल्स की हो रही है, ये बच्चों में, लड़कों में स्पर्म्स खत्म कर रहे हैं। अच्छा, ये जितने भी पैकेट्स में है जिनमें प्रिजर्वेटिव डला हुआ है, हर वो चीज रिफाइंड ऑयल, डबल रिफाइंड ऑयल हम अक्सर देख रहे हैं। डबल रिफाइंड जो है वो तो दिल के लिए इतना खतरनाक है, लोगों के जहन में है कि ये ऑयल है ये जमता नहीं, ये इश्तेहार में एक में आता था। Exactly. ये ऑयल है ये जमता नहीं, नो, ये सबसे ज्यादा जाके चर्बी बनाता है, ये सबसे ज्यादा आपके दिल को नुकसान पहुंचाता है। प्लीज प्रीमियम डबल रिफाइंड ऑयल से दूर भागिए। अगर आपने वर्जिन ऑलिव ऑयल खाना है तो पके हुए खाने के ऊपर कच्चा ऑयल डाल के खाएं। अगर एक सर्टन टेम्परेचर पे आप ले जाएंगे वो आम ऑयल से भी बिगड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ये चीजें याद रखिए, और अपने घरों में, अपने लाइफस्टाइल में पानी जो है वो नहरी पानी को बॉईल करें, और फिर बड़ा सा घड़ा लें, उसके अंदर पानी डालें, वो उसकी मिट्टी में से खुद बहुत मिनरल्स इंसानुएट करेंगे उस पानी में, उसको एक नेचुरल मिनरल ऑयल बना देंगे। आपकी जो बोतलें हैं वो बाहर 42 डिग्री टेम्परेचर पे सड़कों पे पड़ी होती हैं, उनमें से प्लास्टिक, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर, फिर हमारे जो किचन वेयर्स हैं वो प्लास्टिक के बन चुके हैं, ये जाके ओवरीज में बैठते हैं, उसमें स्पर्म्स को खराब करते हैं और सत्यानाश कर देते हैं, कैंसर का वजह बनते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह बनते हैं। बड़ी बड़ी सिस्ट जो है वो इसी डाइट्री और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर है। ये एक अलमिया है कि हर बच्ची के चेहरे पे बाल आ रहे हैं, हर बच्ची, क्योंकि ओवरी में एक हार्मोन जो बनता है, पहले मेल हार्मोन बनता है, आपकी चर्बी में से कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रिकर्सर होता है, उससे पहले मेल हार्मोन थोड़ी देर के लिए बनता है उस जगह से जहां से अंडे ने रिलीज होना है। अगर वो अंडा फट के रिलीज हो जाए वही जगह जो है वो फीमेल हार्मोन बनाना शुरू कर देती है, लेकिन अंडा अगर रिलीज नहीं होता और वो पड़े रहते हैं, वो मेल हार्मोन इसलिए शुरू में जरूरी है कि वो जरूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए, अल्लाह सुभान व तआला ने थोड़ा सा वो मेल हार्मोन शुरू में इसलिए दिया है, लेकिन अंडा अगर रिलीज नहीं होता तो वो बहुत ज्यादा मेल हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है और फिर वो
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और ये चेहरे के बाल और ये सारा कुछ, और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हुई है तो अबॉर्शंस हो रहे हैं, ये सारा वही सिलसिला है। बिल्कुल, ये कनेक्टेड है सारी इन सारी चीजों से। थैंक यू सो मच डॉक्टर समीना हक, हमारे साथ मौजूद थी और बहुत ही अच्छी चीजें जो है वो हमारे साथ डिस्कस करी थी कि ये सारे मसाइल डाइटरी और एनवायरमेंटल मसाइल की वजह से हमें फेस करने पड़ते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।